फैमिली कैसे हैं आप लोग? तो गाइज आज हम लोग देखने वाले हैं कि आपकी पर्सन अगर आपके साथ नो कांटेक्ट में है तो ये सिचुएशन कब तक एंड होगा, कब तक आपको किसी तरीके का भी कम्युनिकेशन मिल सकता है। तो दो लोगों के लिए करेंगे डीएम, अगर सिंगल है और किसी और के साथ कमिटेड है तो। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। गाइज इसके एंड में हम लोग कुछ मैसेजेस भी लेंगे और चार्म्स भी लेंगे ताकि आप लोगों को रीडिंग काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल लग सके। ठीक है गाइज, मैंने मुझे आज कुछ रियलाइजेशन हुआ कि जिस दिन आपको ऐसे लगे कि आप डीएम होकर भी ज़्यादा गोल ओरिएंटेड एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो रहे हो, ठीक है, आप लोग जो है डीएम होके भी गोल्स के पीछे और मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे नहीं भागोगे, उस दिन आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपने आप को हील्ड समझ सकते हो, ठीक है। और डीएम अच्छे हो जाते हैं जब वो लोग को पता चलता है कि भाई इट इज़ ओके, ठीक है, अगर मैं अपने आप मैं कुछ कम ही काम करूं और जितना मुझसे बन पड़े मैं उतना ही करूं, और मतलब ज़रूरी नहीं है अपने आप को दुनिया को इस्टेब्लिश्ड दिखाना, ठीक है। और डीएफ के लिए जब डीएफ को ऐसा लगे कि भाई हाँ मेरे को कुछ लाइफ में गोल्स होने चाहिए, क्योंकि डीएफ ऐसी इंसान है जो दुनिया छोड़ छाड़ के बैठी हुई है, तो जिस दिन उसको लगने लग जाए कि भाई हाँ मुझे इस दुनिया में जीना है, कुछ काम करना है, तो उस दिन वो थोड़ी थोड़ी सी हील्ड होने लग जाती है। जब डीएफ के अंदर एक ड्राइव आ जाता है जीने का और डीएम के अंदर भागने का चीज़ों के पीछे, लोगों के मतलब किसी भी ईगो के पीछे, किसी भी सिचुएशन के पीछे अपना दम नहीं चलाना है हमको, सामने वाले के बारे में भी सोचना है, तो ये दिन रहता है कि जब आप कह सकते हो कि डीएम थोड़ा बहुत हील हो चुके हैं, ठीक है, और आप एक हील्ड डीएम हैं। चलिए गाइज अभी हम देखते हैं कि अगर आपकी पर्सन सिंगल है और नो कॉन्टैक्ट में है आपके साथ तो क्या सोच रहे हैं, कब तक कॉन्टैक्ट खत्म एंड नो कॉन्टैक्ट एंड करेंगे। तो सबसे पहले सिंगल डीएम्स की करंट सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट में क्या है। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। कमिटेड डीएम्स जो है उनका स्टेटस क्या है, ठीक है। तो कमिटेड डीएम्स जो है वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या चल रहा है ये देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है गाइज, हम लोग कब तक एंड करेंगे उसको हम दूसरे इसमें लेंगे। सबसे पहले हम लोग सिंगल वालों की रीडिंग देख लेते हैं और थोड़ा सा आप लोग के लिए गाइडेंस भी ले लेते हैं कि अगर आपके डीएम सिंगल है तो क्या सिचुएशन है। जस्टिस इन रिवर्स, पहले ही चीज ने बता दिया कि डीएम फील कर रहे हैं कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, ठीक है। कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं डीएम फिलहाल, उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो शांति से वॉक अवे कर जाना चाहते हैं। आपकी डीएम जो है अगर वो सिंगल है तो वो कुछ भी सुनने मानने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। अगर ये आपकी स्थिति थी, मुझे पास्ट में जाते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सन की सिचुएशन अभी सुधर रही है, अभी उनको ऐसे लग रहा है कि मतलब भगवान उनका साथ दे रहे हैं, शायद उनका अच्छा टाइम आ गया है, उन्होंने बहुत बुरा टाइम क्रॉस कर लिया है, हीलिंग फेजेस उन्होंने क्रॉस कर लिए हैं। तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आपके लिए आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आपके लिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड। आपके डीएम अगर आपको टेन ऑफ पेंटिकल एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, मीन्स उनको आपके साथ स्टेबिलिटी और कमिटमेंट चाहिए, ठीक है। ये कनेक्शन का डेथ और रीबर्थ अपराइट में होता है, ठीक है, बट ये कनेक्शन अगर ये रिवर्स में दिखा रहा है तो मुझे लग रहा है कि यस ये कनेक्शन है। ये थोड़ा सा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं गुजरेगा, या तो आपका कनेक्शन अब डेथ फेज से रिबर्थ फेज से निकलकर एक नए कमिटमेंट फेज में आने वाला है। टू ऑफ वॉन्ड्स मैंने कहा था, बात करेंगे इसके बारे में। तो आपकी डीएम जो है कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिख रहा है कि वेट कर रहे हैं, सही टाइम का जो है वेट कर रहे हैं कि भाई मैं फेवर में चीजें तो आने लग पड़ी है, लेकिन और कोई एक्शन लेने के लिए मुझे जो है सही टाइम का थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, मुझे मेंटली प्रिपेयर्ड होना होगा, मुझे इमोशनली प्रिपेयर्ड होना होगा, क्योंकि आपके डीएम खुश नहीं है अभी भी। आपके डीएम अभी अभी उनको ऐसे लगने लगा है कि भाई मेरी जिंदगी में कुछ हो सकता है, तो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है क्लियरली,
ठीक है, आपके डीएम ने बहुत बड़ा रास्ता तय किया है आपके पास आने के लिए, ठीक है, इतना बहुत ज़्यादा लगेज लेकर अपना आ रहे हैं आपके पास, उनके पास्ट अनसेटिस्फाइड नीड्स वांट्स सब कुछ लेकर अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके आपके पास आ रहे हैं, तो उनके पास बहुत ज़्यादा लगेज भी हो सकता है, ठीक है, बट वो सब नॉलेज एक्सपीरियंस, मुझे जो पता चल रहा है पास्ट का नॉलेज एक्सपीरियंस सब कुछ लेकर के आपके साथ एक रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हैं, तो इट इज़ नॉट अ नेगेटिव थिंग, ये नेगेटिव थिंग नहीं है कोई इधर जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये है कि जो भी सीखे आकर इधर लगाएंगे, ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है। चलिए गाइस देखते हैं कब तक कॉन्टैक्ट हो सकता है आपके पर्सन के साथ। एस ऑफ वांड्स इन रिवर्स आ गया आपको, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जजमेंट टाइम आ गया है, ये अक्टूबर निकल जाने दो गाइस, ये अक्टूबर के बाद 20 डेज दे दो, फिर आपका जो है कनेक्शन थोड़ा बेटर प्लेस पे स्टैंड करेगा, जहाँ पे अभी है उसे बहुत ज़्यादा बेटर प्लेस पे, ठीक है, 20 डेज आफ्टर दिस मंथ एंड्स, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है 10-10 का पोर्टल कार्मिक एंडिंग्स और न्यू बिगिनिंग्स को लेकर आया है, कार्मिक एंडिंग्स तो हो गए 9-9 के पोर्टल पर न्यू बिगिनिंग्स जो है फर्स्ट 1-11 के बाद ही आएंगे, ठीक है, तो मुझे ये पता चल रहा, आप क्या कर सकते हो सिचुएशन को बेटर करने के लिए वो देखते हैं, व्यूअर्स क्या कर सकते हैं सिचुएशन को बेटर करने के लिए, ओके तो कंफ्यूज मत रहिएगा, ठीक है, ज़्यादा नीडी बनने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मत डिमांड कीजिएगा उनसे, ठीक है, जेलेसी मत रखिएगा किसी भी कारण का कि तुम इसके साथ क्यों हो, वैसे क्यों हो, ये ऐसा वैसा, ये सब एनर्जी नहीं चाहिए, जो सीक्रेटिव एनर्जी भी नहीं चाहिए, ठीक है, आप लोग बताओ जो है आपके मन में बात करो, लेकिन उसमें बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हो या आप कन्फ्यूज़ हो इस कनेक्शन के बारे में, ठीक है, अगर आप ऐसे साउंड करोगे कि आप ही कन्फ्यूज़ हो इस कनेक्शन के बारे में, तो फिर तो डीएम के लिए ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि आप जितना कंफ्यूज हो सकते हो ना और आप जितना दिमाग लगा सकते हो ना, उसे 50 गुना ज़्यादा आपका डीएम दिमाग लगा सकता है, मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को, और मैं खुद एक्सपीरियंस ओवरथिंकिंग में पीएचडी है डिवाइन मैस्कुलिन की, तो आप अगर एक बात सोचोगे वो 50 कारण निकाल के दिखाएंगे आपको, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग, और ये नेचर है डीएम का, ये डीएम के रूट चक्र एक्टिव होने की वजह से आता है, ये डीएम की गलती नहीं है, ये एनर्जी का गिफ्ट है कि अगर आप इस एनर्जी में हो तो आपके साथ ऐसा ऐसा होगा, ठीक है, लो वाइब्स, हैवी एनर्जी, बहुत कुछ होता है डीएम में जो आपको एज अ गिफ्ट मिलता है, ठीक है, क्यू दिखाई दे रहा है गाइज मुझे आपके पर्सन के नाम में, हो सकता है डब्ल्यू हो सकता है, यू हो सकता है आपके पर्सन के नाम में, ए भी हो सकता है और एल भी हो सकता है गाइज आपके पर्सन के नाम में, एक मिनट, एल, ठीक है, तो ये सब आपके पर्सन के नाम में हो सकता है, लव फील, लव करते हैं वो आपसे, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, उनको ऐसे चाहिए कि आप आके उनकी ताले की चाबी जो है वो बन जाओ, आप जो है उनको अनलॉक कर दो, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं आपके डीएम उनके फियर्स और ओवर थिंकिंग में, तो उनको ऐसा चाहिए कि कोई उनको उधर से निकाले, है ना, अभी देखेंगे गाइस कि दूसरे चांस क्या निकल कर आते हैं, ओके, तो मुझे यहाँ पे किंग क्वीन का दिखा है, तो वो आपको जब जो भी हो मेल फीमेल वो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं कि आप किंग हो या क्वीन हो, उनके दिल के मतलब मलिका काइंड ऑफ एनर्जी है, या आप उनके दिल के राजा हो या मलिका हो, ऐसी वाली एनर्जी है, उनके दिल पे सिर्फ आपका ही राज चलता है, जैसे वाली स्टोरी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, एंजल्स आर वॉचिंग ओवर मी, तो आपकी पर्सन कह रहे हैं कि उनके लिए आपकी डीएम कह रहे हैं कि एंजल्स उन पर ध्यान रख रहे हैं, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है,
फ्लाइज दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अभी तो दिवाली का टाइम ही है, बहुत ज्यादा फ्लाइज आपको देखने को मिलेंगे ही, तो ये बात जान लीजिएगा कि ये फ्लाइज जो है आपके लिए कम्युनिकेशन और स्पेशली बीज, बाकी कोई फ्लाइज नहीं, बीज अगर आपको ज्यादा ज्यादा दिखने लग जाए मतलब आपकी आपके पर्सन से बात शुरू होने का वक्त आ गया है। बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कलर कलर के बटरफ्लाइज आप लोग को दिख सकते हैं। यूनिकॉर्न एनर्जी रह सकती है, अगर आपको बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशनल लगे या कुछ भी हो तो यूनिकॉर्न एनर्जी को बुलाइएगा आपको बहुत, या आपको चाहिए कि आपके कनेक्शन में कुछ ऐसा मैजिक हो जाए ना कि सब सही हो जाए, तो यूनिकॉर्न एनर्जी पे मेडिटेट करना, फोकस करना, एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा आपके कनेक्शन को। ठीक है, एक मिनट गाइस, और एक और मुझे अर्जेंट डाउनलोड आया, मैंने सोचा आप लोग के लिए शेयर कर देती हूँ। और वो अर्जेंट डाउनलोड ये है कि डीएम अगर आपसे कुछ मांगते हैं तो वो एक टेस्ट होता है। ठीक है, वो ये देखना चाहते हैं कि वो आपको अपनी पूरी दुनिया देने के लिए तैयार है, कि आप उनको ये एक चीज़ देने के लिए तैयार है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके डीएम आपको अभी कहते कि मेरे साथ सिर्फ फ्रेंड्स बन के रहो, ठीक है, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप वो फ्रेंड्स बन के रहने के लिए तैयार हो जाते हो, डाउन द लाइन, आज नहीं कल नहीं, 10 महीने, 15 महीने, 2 साल डाउन द लाइन, आपके पर्सन आपको पूरी दुनिया देंगे जो आपको चाहिए, उससे भी ज्यादा दे सकते हैं वो आपको। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि लोग रुकना ही नहीं चाहते। ठीक है, डीएम बहुत एक रिवॉर्डिंग नेचर का पर्सन होता है। ठीक है, आप उनको एक दोगे वो आपको 10 देंगे, उनको ऐसा लगेगा कि अरे इसने किसी ने मेरे लिए आज तक नहीं सोचा, इसने सोचा, इसको मैं अपनी पूरी दुनिया दे दूंगा। तो रिवॉर्डिंग पीपल होते हैं वो। ठीक है, तो अगर आपने उनको जो है कहीं ना कहीं उन्होंने एक चीज आपसे मांगी और आपने उनको दे दी बिना सोचे समझे, कि आपने बोला ठीक है दे देते हैं ये चीज, उसके बाद आप देखना कुछ टाइम बाद आपको वो अपनी पूरी दुनिया में ऐसे शामिल कर लेंगे जैसे कि उनके दुनिया में आप ही मेन और टॉप प्रायोरिटी लिस्ट पे हो। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी चीज है ये जो मुझे आया है अभी। 4 of Swords वाली एनर्जी है कमिटेड डीएम्स के लिए। तो अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आपके पर्सन हीलिंग फेज में है, ठीक है, वो बात ही नहीं करना चाहते किसी से, वो आराम कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, इम्बैलेंस फील कर रहे हैं आपके पर्सन इस समय पर, बहुत ही लो वाइब्रेशनल फील कर रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसे लग रहा है कि मैं क्या करूँ, थोड़े से सेल्फिश हो रहे हैं, थोड़े से ये हो रहे हैं, वो क्या करूँ क्या नहीं करूँ। देखा गाइस, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके डीएम आपसे कुछ टेस्ट ले रहे हैं तो वो आपको अपनी दुनिया में ऐसे शामिल कर लेंगे जैसे कभी किसी ने आपको शामिल किया ही ना होगा आज तक। तो आपके पर्सन आपके लिए ये टेस्ट वेटिंग का हो सकता है, ये टेस्ट नॉट इंटरेस्टेड का हो सकता है, कुछ ना ऐसा कुछ टेस्ट आपसे लेंगे, वो आपको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, और अगर आप उसमें सक्सेसफुल हो गए तो फिर तो गाइज आपकी दिवाली है फिर, है ना, और क्या ही कह सकते हैं। चैरियट की एनर्जी आ रही है, आपकी डीएम आपको आकर के जो है दिखा देंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते, कितना ऑब्सेस है, वो लीप ऑफ फेथ वो ले लेंगे, लेकिन उससे पहले उनको वो स्पेस चाहिए कि वो अपना बैलेंस को रीगेन कर सके। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन पास्ट में चला गया, ये कनेक्शन खत्म हो गया, कोई रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, कुछ ही नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो थोड़ा सब्र करके देखो। चलिए गाइस, टाइम लाइंस देख लेते हैं कि कब तक सब्र करना पड़ेगा। एक मिनट गाइस, आप लोगों को अराउंड 7 मंथ्स तक इंतज़ार करना पड़ सकता है आपके डीएम का ऐसा खुल के आपके पास आना कि वो आपके ही हो जाए, इसके लिए आपको अराउंड 7 मंथ्स का इंतज़ार करना पड़ सकता है। ठीक है गाइस, देखते हैं कि इस तब तक आप क्या कर सकते हो। एक मिनट, क्या कर सकते हैं आपके डीएम आपके लिए, मतलब आपको क्या करना है अगर आपके डीएम को आपको वापस चाहिए, तो ये देख लेते हैं पहले। परफेक्शनिस्ट होना छोड़ दीजिए। ठीक है, आप हर चीज़ जैसे आप चाहे जैसे हो वैसे ही नहीं होगा, कंट्रोलिंग होना छोड़ दीजिए कि भाई मुझे ऐसे ही चाहिए, ये कनेक्शन वैसे चाहिए,
क्योंकि आप अगर कंट्रोल करोगे और डायरेक्ट करोगे ना कि भाई मुझे ये चाहिए, तो आपके डीएम आपको कुछ नहीं देने वाले, फिर वो बोलेंगे हो गया तेरा, बस रफा दफा हो जाए यहाँ से। क्योंकि गाइज मैं क्लियरली बोल रही हूँ कि आप अपने डीएम के सामने ऐसे जाकर के डिमांड्स नहीं रख सकते आप उनको भी, और ये नहीं कि भाई मुझे इस दिन पे इस तारीख पे ऐसे मिलना, ये नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। वो ऑर्डर सुनने के लिए बने नहीं है, वो ऑर्डर्स देने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं मानने वाले आपकी बात। और दूसरा, उनको क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए, लेकिन ये नहीं, उनको आप टाइम टाइम पे क्लैरिटी देते रहो, ठीक है, कि आपके मन की स्थिति क्या है, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन बताने में और उनको बोलने में कि मुझे ये चाहिए, मैं ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है गाइस। आई होप आप लोग को ये बात समझ आ रही है, ये मिस्टेक मत कीजिएगा इस बारी, ठीक है। कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, बिल्कुल नहीं। उनको सोचने दो कि वो आपको क्या दे सकते हैं, और उनको ये छोड़ दो कि भाई इस कनेक्शन में तुम मुझे क्या दे सकते हो, मुझे क्लियरली बताओ। आपको अभी लगेगा कि वो चीज़ जो है इनसिग्निफिकेंट है आपके लिए, लेकिन डाउन द लाइन वो चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी होती चली जाएगी, ठीक है गाइस। देखिए चार्म्स के, आपके पर्सन के नाम में के हो सकता है, सी हो सकता है गाइस, पी हो सकता है, आर हो सकता है, एन भी हो सकता है, और एम भी हो सकता है आपके पर्सन के नाम में। और चार्म्स में आपके पर्सन आपसे दूर रह सकते हैं, ठीक है। गाने बहुत ज़्यादा सुनते होंगे आपको याद करके, आपको स्टॉक करते होंगे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे, और आपको एक एंजल की तरह देख रहे हैं इस समय पर। ओके, अगेन मैसेजेस इन म्यूजिक आया है। देखिए गाइस यहाँ पे बेबी स्टेप्स है, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आएंगे, बहुत छोटे छोटे, ऐसे नहीं कि आके खुद को दे देंगे बस। आप जो है कहीं ना कहीं लक का इंतजार करो आप लोग, आपको ऐसे लग रहा है कि आपके लक में कुछ भी नहीं है। हैंडमेड, आपको कोई हैंडमेड गिफ्ट दे सकते हैं आपके पर्सन। मुझे यहाँ पे एक मिस्टिकल मैजिकल कैट दिखाई दे रही है, ये एनर्जी जो है गैलेक्टिक एनर्जीज है, ये एनर्जीज जो है टैरो वाली मिस्टीरियस एनर्जीज है। तो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस बन रहे हैं, खुल के नहीं बता रहे आपको। ट्री, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को कहीं ना नेचर के साथ कुछ वक्त बिताने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ जो है अगेन, वो आप प्रिंसेस, वो आपको आपके अपने प्रिंस प्रिंसेस की तरह मान रहे हैं। दो दिल, मतलब दोनों, ये कनेक्शन दो तरफा है, सोचना भी मत कि ये कनेक्शन सिर्फ एक ही तरफा है। अगेन दिवाली का समय है, मैंने पहले भी बोला था, आगे वाले में फ्लाइज बहुत ज़्यादा अगर आपको दिखाई देंगे। मुझे यहाँ पे जो है जुगनू वाली एनर्जी आ रही, तो अगर आपको जुगनू दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपके पर्सन रेडी है इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।